ये जी क्या होता है? बहुत सारे प्रोसेसर देखे होंगे आपने, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G, 720G, 732G, 765 में भी जी आ गया है, और साथ ही साथ मीडियाटेक के प्रोसेसर में अब आ गया है मीडियाटेक हीलियो G35, G70, G80। तो इन सारे प्रोसेसर में ये जी क्यों लगाया जाता है, ये आज इस वीडियो में जानेंगे हम। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नॉर्मली हम मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, तो उस चीज़ की प्राइस अगर आपने देखी होगी तो जनरली ऐसे रहती 299 रुपीज़, 199 रुपीज़, 599 रुपीज़। ये 599, 299 क्यों रहती है? 300 भी रख सकते हैं, 301 भी रख सकते हैं, 310 भी रख सकते हैं, या फिर 510 भी रख सकते हैं, लेकिन ये लोग रखते हैं 499, 399, 599, ऐसे प्राइस क्यों रखते हैं किसी भी चीज़ की? क्योंकि कस्टमर का सबसे पहले ध्यान जो है वो जाता है 3 के ऊपर, ना कि 99 रुपीज़ के ऊपर। मतलब कस्टमर के दिमाग में अपने आप ये चले जाता है कि ये जो चीज़ हम ले रहे हैं ये हमें 300 और ऊपर कुछ रुपए देके मिल रहे हैं, जबकि ये जो है ये आपको 400 रुपए में मिलते रहते हैं। मतलब 399 के कोई चीज़ खरीदते हैं तो 400 रुपए से सिर्फ 1 रुपए कम में आपको ये चीज़ मिलती है। तो कस्टमर का ध्यान जो है वो सबसे पहले 3 पे जाता है, इसलिए प्राइस जो है वो ऐसी रखी जाती है। वैसे ही प्रोसेसर के साथ भी होता है। कोई भी प्रोसेसर अगर देखते हैं आप तो उसके अंदर जी इसलिए लगाया जाता है कि जी मतलब गेमिंग। कस्टमर के दिमाग में ये चला जाता है जी मतलब गेमिंग, इसलिए सारे प्रोसेसर के अंदर ये जी लगाया जाता है। तो जी का मतलब होता है गेमिंग। ऐसे लोगों को प्रिटेंड किया जाता है कि ये जो प्रोसेसर है गेमिंग वाला प्रोसेसर है, गेमिंग बहुत ही बढ़िया करता है, और गेमिंग अगर बढ़िया करता है प्रोसेसर तो प्रोसेसर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। ऐसे लोगों को प्रिटेंड करने के लिए जी जो है वो यूज़ किया जाता है। इस सिंपल सा क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर था ये। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके बताना आपके मन में ऐसे ही कोई सवाल आते रहेंगे तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों।